हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतूस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के सेशन में यार हम लोग करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए पूरे के पूरे सिलेबस का, यानी कि जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के पास, और उन सभी चैप्टर्स के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले समझते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है। सीबीएसई ने बोला है कि वो लगभग 50% पेपर आप लोगों के एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देंगे। अब बच्चों को लगता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ये इजी भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वो सारी चीजें आप आज के इस सेशन में जान जाओगे। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास और कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। लेकिन उससे पहले अगर लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो। ठीक है, चलो जी आ जाओ। तो पहला सवाल है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या हम उनको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर यानी कि अंडर रूट एम है, क्या मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में कौन होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। क्या हम जितने भी इरेशनल नंबर है उनको डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो यस बेटा, कोई भी इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, तो डेसिमल की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कह रहे कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग वाले होते हैं। नहीं, रेशनल जो होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी रेशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज एन इंटीजर। कह रहे कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, 2, 3, 4, 5, ऐसा नहीं है। 3/4 अगर मेरे पास आ गया ये इंटीजर तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऐसे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो, 1 × x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 0 × y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -4 = 0। अब यहां से अगर मैं 4 को उधर शिफ्ट करूं तो x = 4। अब अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो x = 4 यहां पे होगा, ये पॉइंट यहां पे होगा। y हमें गिवन नहीं है, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ कुछ ऐसा। अब ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस की यूनिट पे है, 4 डिस्टेंस दूर है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम x एक्सिस इज 1 यूनिट। ये जो लाइन है इसका जो डिस्टेंस है x एक्सिस से, क्या 1 यूनिट है, बिल्कुल नहीं। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द y एक्सिस इज 4 यूनिट। देखो, y एक्सिस से ये लाइन का दूरी कितना है, 4 यूनिट, ये सही है। द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द y एक्सिस इज -1 यूनिट, ये भी गलत है। ऐसे होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, चल अब ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसमें बीसी और एसी इक्वल दिए गए। बीसी इज इक्वल टू एसी, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। BC = AC, ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये मान लो y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आपको BAD निकालना है, एंगल BAD। एंगल BAD की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर है, x plus y के इक्वल है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देखूं, इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ट्राइंगल ABC के अंदर देखूं तो एंगल A plus एंगल B plus एंगल C, तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है बेटा, 180 डिग्री है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स प्लस वाई है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है बेटा, वाई है। और एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा बेटा, 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 अगर कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा आपके पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एंगल BAD आपके पास कितना आ गया है,
बहुत सिंपल। आ जाओ अगला सवाल बढ़ने से पहले है ना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। आप लोग पिछले काफी दिनों से सुन रहे हो द्रोणा के बारे में, तो द्रोणा बेसिकली एक बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 3 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक है ना। इस बैच में आप लोगों का पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करवाने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करवाने वाले हैं। और इस बैच में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स हम कैटर करेंगे है ना। ये जो बैच है ना बेटा, इसमें आपके जो YouTube टीचर्स है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे, और इस बैच में आपको आपके जो डाउट्स होंगे वो नॉर्मल तरीके से नहीं होंगे। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपसे आपको देख सकता हूँ। तो इस बैच में अगर आप आते हो तो आपसे हम एक पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं, और उसके थ्रू आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे आसानी से क्लियर हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि चैट में, और कई बार बच्चे बोलते हैं ना सर आप इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर नहीं कर रहा होता, दिखती नहीं है चैट, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाएंगे ठीक है, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेगी। एंड यस गाइज, ये बैच फ्री नहीं है, ये यूट्यूब पे नहीं है, ये वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे है। तो यहाँ इस बैच का जो फीस है बेटा वो 3000 रुपए है, पूरा का पूरा कोर्स ही आप लोगों के पास 3000 रुपए का है। अगर मैं एक मंथ का इसका एवरेज निकालू तो एक मंथ का ये आपका पड़ जाएगा 1500 रुपए के आसपास, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, और एक सब्जेक्ट का अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो वो आपके पास है 375 रुपीज के आसपास। और यार अगर आप लोग ट्यूशन वगैरह जाते हो ना तो आपको पता होगा कि आप लोग एक सब्जेक्ट के कितने पैसे दे रहे हो, 1000-1000 रुपए देते हैं बच्चे, तो 4 सब्जेक्ट के 4000 पड़ जाते हैं उस हिसाब से है ना। बट हम ये पूरा का पूरा कोर्स एक महीने का पड़ जाता है आपको 4000 रुपए, पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को महीने के हिसाब से 375 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग एनरोल करना इस बैच में है ना। एनरोल कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप द्रोणा के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। वैसे ये 6000 का है, लेकिन मेरा कूपन कोड लगने के बाद ये 3000 का पड़ जाएगा ठीक है। अब द्रोणा के अलावा आप लोगों के पास मॉक टेस्ट सीरीज भी है जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। आपको हर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, चाहे आप द्रोणा में एनरोल करो या ना करो, आपको ये 3 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। मैथ्स के 6 मिलेंगे, 3 स्टैंडर्ड मैथ्स के, 3 बेसिक मैथ्स के। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर कि आप लोग वो जरूर ले लेना। द्रोणा लो ना लो, पर ये जरूर ले लेना ठीक है ना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप लोग मतलब डाउनलोड कर सकते हो। आपको आंसर की भी मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर की भी मिलेगा, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, और मार्किंग स्कीम के साथ हम आपको आंसर की देंगे ठीक है जी। चल अगला सवाल कह रहे कि अगर एंगल BOC 88 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये सेंटर है, ऑब्वियसली बात है बेटा आधा हो जाएगा, 44 डिग्री। बहुत सिंपल सा था ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ठीक है। चल अब कह रहे कि आपके पास एक ग्लास बिल्डिंग है, कुछ कुछ मतलब उसने कहानी लिखी है यहाँ पे, और वहां पे ऐसे ट्राइंगुलर शेप में बन रहा है। आपको पूछा गया है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे पता चला, अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो बेटा 100 होता है, 8 का स्क्वायर करता हूँ तो बेटा 64 होता है, 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 होता है, और 64 और 36 को ऐड करूं तो 100, यानी कि 10 का स्क्वायर जो है वो 8 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें पता चला ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 × बेस × हाइट, 24 cm², बस हो गया खत्म, कुछ भी नहीं था इसमें ठीक है, बहुत आसान है ये ठीक है जी। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये शायद आखिरी सवाल है आप लोगों के पास है ना। कह रहा है कि एक कंपनी है, उसने कुछ वुडन बॉक्सेस बनाए, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओपन बॉक्स, और ये ऊपर से खुला है। इस बॉक्स की जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसका 30 सेंटीमीटर है, और लेंथ इसका 40 सेंटीमीटर है। ऊपर से खुला है तो आपको इसका सरफेस एरिया बताना है। देखो सरफेस एरिया आप कैसे बताओ, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, इस बॉक्स का जो सरफेस एरिया आप कैसे बनाओगे बताओगे बेटा,
आप अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, और उस टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर का एरिया, ऊपर का एरिया, ऊपर का एरिया, टॉप एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास इस बॉक्स का एरिया आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर से तो खाली है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, आपके पास होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, है ना, और टॉप एरिया क्या है L इनटू B, वो हटा दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यार, L की वैल्यू कितनी है 40 इनटू 30 प्लस 30 इनटू 25 प्लस 25 इनटू 40 माइनस 40 इनटू, सॉल्व करोगे इसको 2 4 3 का 12 प्लस 75 प्लस 100 माइनस 1200, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा कितना 2 इंटू 1200 प्लस 1000 2200 और 0.2950 माइनस 1200 0 5 2 10 0 1 carry 9 2 18 like 99 1 carry 4 और 8 5 12, दोनों को माइनस करोगे तो 4700 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपके पास क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो इतना आपके पास 4700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, बहुत छोटा सा था, है ना, ज्यादा मतलब खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना क्या आपको और भी सेशंस चाहिए ऐसे या नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ तब तक के लिए लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, बाय बाय।